नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Facebook में फॉलो का ऑप्शन कैसे लाएं। दोस्तों अगर आप Facebook चलाते होंगे तो एक बात आप जरूर नोटिस किए होंगे कि किसी के अकाउंट को देखते होंगे तो वहां पे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन ना आके फॉलो का ऑप्शन आता होगा। तो कैसे आप उसे अपने अकाउंट में लगा सकते हैं फॉलो का ऑप्शन, यही इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए ओपन करते हैं Facebook ऐप को, और फेसबुक ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम एक अकाउंट को सर्च करते हैं। यहाँ पे मैं इस अकाउंट को सर्च कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप फॉलो का ऑप्शन कैसे लगा सकते हैं, फॉलो का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, अपने अकाउंट में आपको दो सेटिंग करना होगा, वो मैं सेटिंग को बता रहा हूँ आपको कैसे करना होगा। तो यहाँ से आते हैं बैक, और यहाँ पे क्लिक करके मैं उस अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं उस अकाउंट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। दोस्तों हमें इसी अकाउंट में फॉलो का ऑप्शन लगाना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस तीन लाइन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन होके एक सेटिंग का ऑप्शन खुलता है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पब्लिक पोस्ट, आप इस पे क्लिक कीजिएगा पब्लिक पोस्ट पे। और दोस्तों यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा पब्लिक पे, और इसके बाद यहाँ पे ऑटो ये पब्लिक सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आप आइएगा यहाँ पे भी आप क्लिक कीजिएगा पब्लिक, और फिर नीचे आपको जितने भी ऑप्शन दिखलाई देते होंगे उन पे आपको पब्लिक पे क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों यहाँ से एक सेटिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको एक और सेटिंग करना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप आइएगा बैक एक बार, और बैक आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी सेटिंग। ये प्राइवेसी सेटिंग अकाउंट सेटिंग में रहते हुए आपको मिल जाएगा प्राइवेसी सेटिंग, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा प्राइवेसी सेटिंग्स पे। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन खोजना होगा हु कैन सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये ऑप्शन कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्ट कर देना है अगर एवरीवन पे है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स पे, और आप आ जाइएगा यहाँ से आप आ जाइएगा बैक। अब दोस्तों मेरे फोन में फॉलो का ऑप्शन आ जाना चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं दूसरे अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे इस अकाउंट से मैं साइन इन कर ले रहा हूँ, और साइन इन कर लेने के बाद यहाँ पे मैं उस अकाउंट को मैं सर्च कर रहा हूँ जिस अकाउंट में मैं ये ऑप्शन अभी अप्लाई किया हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉलो का ऑप्शन आ चुका है, जो यहाँ पे पहले ऐड ए फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा था अब यहाँ पे ये फॉलो का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने फेसबुक में फॉलो का ऑप्शन लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।